हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप भी हो इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी सीरियस, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में इसको कंप्लीट डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस रिक्रूटमेंट की जो कुछ भी डिटेल्स रहने वाली है सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आपको बताया है फ्रेंड्स कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट आई है 2023 के लिए। सबसे पहले आप जान लो कि यूपी ट्रिपल एससी होता क्या है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के तहत ही उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसीज रिक्रूट कराई जाती है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होता है। हर स्टेट का अपना अपना आयोग होता है, ये उत्तर प्रदेश के लिए। तो चलिए आगे बता दूँ कितने पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट आपका 277 सीट है, मतलब कि 300 के अप्रॉक्स आपका सीट हो गया है। और कैटेगरी वाइज बता दूं आपको कि जनरल के लिए 103, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, ओबीसी के लिए 65, एससी कैंडिडेट्स के लिए 81 एंड एसटी के लिए 8 सीट यहां पर रखा गया है। चलिए अब बता दूं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं। सो आपका फॉर्म जो है स्टार्ट होगा 17 अक्टूबर 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 6 नवंबर 2023 रहने वाला है। अब आप सोचोगे कि आपका फॉर्म तो आएगा अक्टूबर में, तो मैं अभी से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी से फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब जिस समय फॉर्म आएगा अक्टूबर में, नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, ये पॉसिबल नहीं होता है। सिर्फ ये मोटो होता है आपको फॉर्म बता देने का, ताकि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो अपनी स्पीड को बूस्ट करो फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करो और एक बार में एग्जाम को क्रैक करो। सो आइए आगे आपको बता देती हूँ इसका एज लिमिट क्या, कब से कैलकुलेट होगा, क्या रखा गया है। योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of July 2023। मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। रही बात फॉर्म की फ़ी की, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसीज आती है ना, उसमें फ़ी बहुत कम, मतलब सही लिया जाता है। ऑल कैटेगरी कैंडिडेट से यहाँ पे सिर्फ 25 रुपीज़ लिया जाता है। सो चलिए अब मैं बता दूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड रहने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट, जो आपने 2022 में एग्जाम दिया था उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे होता है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10+2 पास आउट हो आप तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। डजेंट मैटर क्या परसेंटेज है, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो ना, तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का रहता है। हिंदी के लिए जो टाइपिंग होती है 25 वर्ड्स पर मिनट एंड इंग्लिश के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट का रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स NIELTS से ट्रिपल सी एग्जाम पास या इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 5 स्टेजेस। सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग जो होता है आपका पेट के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग होता है, मतलब 2022 में जिन कैंडिडेट्स ने पेट का एग्ज़ाम दिया था यूपी ट्रिपल एससी PET, उनके पास स्कोर कार्ड होगा तो उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। देन होगा आपका रिटर्न एग्ज़ाम, मतलब कि जो पेट एग्ज़ाम होता है ना, समझो वो प्रिलिमरी एग्ज़ाम हो जाता है, तो डायरेक्टली अभी जो आपका पेपर होगा वो मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। फिर स्किल टेस्ट, क्योंकि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो यहाँ पे आपका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फिर होगा आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि रिटर्न एग्जाम का क्या पैटर्न रखा गया है। 80 क्वेश्चन का पेपर होगा 40 मार्क्स के लिए, समय मिलता है आपको 1 आवर का। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन एंड कितने मैक्सिमम मार्क्स के लिए रहता है। हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 मार्क्स के लिए रहता है।
जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए रहते हैं। सो ओवरऑल 80 क्वेश्चन 40 मिनट्स के लिए, टाइम 1 आवर का रखा गया। आई होप कि एग्जाम पैटर्न आप क्लियरली समझ गए होंगे। उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में हिंदी शॉर्ट हैंड का 80 वर्ड्स पर मिनट होगा एंड हिंदी टाइपिंग की टेस्ट होगी 25 वर्ड्स पर मिनट की। इसके बाद फ्रेंड्स आपका होगा सिंपल सा डीवी मेडिकल, आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो ये तो समझने की बात है कि जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा। यूपी का है एग्ज़ाम, तो यूपी में ही जहाँ भी आपको सरकार की तरफ से अलॉट किया जाएगा सीट, यूपी में सर्व करना पड़ सकता है। साथ ही साथ एग्ज़ाम का जो सेंटर रहेगा, आप कहीं से भी अप्लाई करो, बिहार, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, आपको ना वहाँ यूपी में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि जो भी होता है ना कि किसी स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे स्टेट में जाके ही एग्ज़ाम देना होता है। तो आइए फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है। तो आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपको दिसंबर 23 से लेके जनवरी 2024 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब कि ये टाइम आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अपनी तैयारी को, स्पीड को ऐसा करो कि आपको दिसंबर तक फुल्ली सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप रिवीजन कर लो, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहना इसका, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आपको ये सोचना ना पड़े कि एग्ज़ाम आ गया, मैंने तैयारी किया ही नहीं। रही बात फ्रेंड्स इनिशियली इनहैंड सैलरी क्या मिलता है, तो ग्रुप सी की पोस्ट है, स्टेनो की है, तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिलती है। 29,200 से स्टार्टिंग होती है एंड आपको 92,300 रुपीज़ की सैलरी होती है। मतलब कि इसमें अच्छे खासे पर्क्स एंड अलाउंसेज रहते हैं, पर ईयर अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है, तभी जाके तो ना 1 लाख के अप्रॉक्स आपकी सैलरी हो जाती है। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताए हैं यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए, कमेंट सेक्शन है ना यार, वहाँ पे आके आप अपनी क्वेरीज को पूछो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज अगर आप और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ना जो भी जॉब रिक्रूटमेंट आते हैं उसका नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ, तो आप ज़रूर से वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरी सारी जो न्यू अपकमिंग जॉब अपडेट की वीडियो रहेगी सबसे पहले आप सभी तक जाएगी। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।